वैसे तो सबसे पहले तुम्हें उठना चाहिए था, लेकिन चलो इट्स ओके। मलिहा ये क्या तरीका है यार, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। अच्छा, क्या देख रहे थे ख्वाब में? ख्वाब में तुम थी और मैं था। अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तो फिर तुम मुझे ख्वाब में क्यों देख रहे थे? बहुत मुश्किल से मिली, इसलिए शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे पास हो, मेरे घर में। चलो उठो, पापा के पास चलते हैं। बहुत रुको ना, देखो अभी तो मैंने तुमसे वो सारी बातें करनी है जो मैंने सोच के रखी थी कि जब तुम इस घर में आओगी। मलिहा, तुम्हें मेरी जिंदगी में आने की और इस घर की पहली सुबह मुबारक हो। थैंक यू। मलिहा एक बात तो है, मेरा प्यार था बहुत सच्चा, इतनी रुकावटों के बावजूद भी आखिर हम मिल ही गए। अच्छा जी, सिर्फ तुम्हारा प्यार, मेरा प्यार नहीं। हाँ, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तुमने इससे पहले मुझसे कभी मोहब्बत की है, लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन आज तक आई लव यू नहीं कहा, ठीक है, आज से पहले नहीं कहा, आज तो कह सकती हूँ। ज्यादा ओवर मत हो और तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो तो सही, आई लव यू तो मैं करवा के रहूँगा। देखो आई लव यू बोल दो, वरना पापा वेट कर, फिर वो नाराज होंगे। आई लव यू। हाय, अब तैयार हो जाओ। अच्छा भाई, तैयार हो जाते हैं। पापा के पापा, आप महराज आपी को दुल्हन बना दे ताकि वो हमारे साथ हमारे घर आ सके। ये ऐमन भी ना कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। महनाज, तुम तैयार हो तो हम चलें? हाँ चलो। वैसे तुम कितनी प्यारी लग रही हो ना आज। साकिब, देर हो रही है हमें। मलिहा, एक तो तुम पहले ही इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से ये मेकअप करके क्या इरादा है तुम्हें? मुझे कत्ल करना है? ऐसे बहुत ही बकवास रोमांस था तुम्हारा। हाँ, रोमांस तो मेरा बुरा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इससे पहले कभी किया नहीं है किसी के साथ। चलो पापा के पास चलें, जमाल बाबा दो दफा आ चुके हैं बुलाने के लिए। मलिहा, ये तुम बाबा की चमची क्यों बनी हो? मतलब अपने मियाँ से ज्यादा तुम्हें अपने ससुर की फिक्र है। तुम यहीं बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। अच्छा भैया सुनो तो सही, कुछ देर बैठ के थोड़ी सी रोमांस की प्रैक्टिस तो कर लें। हो गया तुम्हारा, अब चलें? अरे चलो।